हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ हेल्दी प्लांट्स दिखा रही हूँ मैं आपको, जैसे कि जीनिया, मैक्सिकन पिटूनिया और भी प्लांट्स रखे हुए हैं। तो इनमें अभी गर्मियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगते हैं ये प्लांट्स। बस इनमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है, और पानी अगर आप सुबह शाम डालते रहेंगे तो आपके प्लांट हेल्दी भी बने रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ गम्फ्रेना का एक ही प्लांट मेरे पास ग्रो हुआ है, वाइट कलर का, जो कि और पर्पल कलर के तो कई सारे प्लांट मेरे पास लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक देता है ये प्लांट भी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और इजीली वो पानी में लग जाते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ प्लांट्स की कटिंग्स को एक बॉटल के अंदर लगा के रखा हुआ है, तो सभी में लगभग इनमें रूटिंग हो चुकी है। तो यही इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और हेल्दी भी हैं वाटर के अंदर। तो अगर आप पानी में प्लांट लगाते हैं ना, तो आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं, घर के अंदर डेकोरेशन के भी काम में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स मैंने पानी के अंदर प्रोपोगेट किया है। तो ये देखिए, मैंने पानी से निकाल लिया है। पानी में प्लांट लगाना बहुत ही ईजी होता है, बस आप कटिंग लीजिए और डाल दीजिए। ये देखिए, पहला प्लांट है हमारा पर्पल हार्ट का। बस मैंने इसे नोट एरिया से कटिंग ले ली थी और पानी में डाल दिया। देखिए, साइड से रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है पानी में अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो, और काफ़ी इजीली लग जाता है प्लांट्स। आपको टेंशन भी नहीं होती कि प्लांट ग्रो होगा कि नहीं होगा। दूसरा प्लांट है हमारा यहाँ पे वंडरिंग ज्यू। तो वंडरिंग ज्यू में आप रूट देखिए, एकदम पतली सी है, ऐसे धागे की तरह दिखाई दे रहा है, तो पतली रूट होती है इनमें। तो ये भी काफ़ी अच्छी रूट डेवलप कर चुका है प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स को आप पानी में ग्रो करने के बाद सॉइल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड प्लांट है हमारा सिंगोनियम का। यहाँ पर रूट देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी हेल्दी रूटिंग हुई है। प्लांट की पत्तियाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं सिंगोनियम की। सिंगोनियम में तो और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं पत्तियों के। और नेक्स्ट प्लांट है हमारा लालसा का प्लांट। तो इसको हमारे यहाँ पे लालसा प्लांट के नाम से जानते हैं। इसमें भी देखिए बहुत ही पतली रूटिंग हुई है, और ये प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, इनका कलर इतना अच्छा लगता है, रेड रेड सा। एक प्लांट से ढेरों प्लांट इसके भी तैयार हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, इनको भी हमने पानी में ग्रो किया। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मनी प्लांट। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट तो सभी ने पानी में ग्रो किया ही किया होगा। मैंने भी इनकी कुछ कटिंग्स ली थी और पानी में डाल दी थी, तो इनमें भी काफ़ी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो गई है और सभी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। अब इन्हें आप मिट्टी में ट्रांसफ़र करके गमलों में लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे पानी में प्रोपोगेट करने के बाद टेंशन भी नहीं रहती है कि पता नहीं प्लांट मर तो नहीं जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। रूटिंग अगर हो गई तो आप इन्हें मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से आपके प्लांट चल जाएंगे और ग्रोथ भी लेने लगेंगे। और इनको आप घर के अंदर डेकोरेशन के भी काम में ले सकते हैं, और साथ ही आप टेबल डेकोर पे भी आप इसको रख सकते हैं। ये प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इनको लगा सकते हैं। हफ्ते में एक बार ऐसे धूप दिखा दीजिए आप प्लांट्स को, और उसके बाद फिर से अंदर आप रख सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय।